मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। बस इनको क्या लगी, इन्होंने रिक्वेस्ट विक्वेस्ट करके नीतीश जी को मना के कि यार ऐसा कर दो भाई, तीन बार का रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाए। मजा आया। अब देख तू 1984 उसकी कट ऑफ डेट है, ये 1984 के बाद से 40 साल हो गए इस देश के संसदीय लोकतंत्र में। कांग्रेस ने अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छुआ 40 साल से। और कांग्रेस करी, भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हो गई इसकी। बताइए गजब कर रहे आपने 40 साल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी ने 40 साल से 272 देखे नहीं, कैसे हाथ से नहीं छुए 272। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों डिबेट्स तो हम डेली देखते हैं, रोजाना देखते हैं, लेकिन जब डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री आ जाते हैं तो डिबेट का रंग अलग ही बदल जाता है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक स्टाइल है, जो उन्हें बोलना होता है, जो सच होता है वो सबके मुंह पे बोल देते हैं और वो पीछे नहीं हटते। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट के अंदर सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता वही अपना जो ये हर चैनल पे जाके अपनी बड़ाइयां मार रहे हैं, अपने नंबर्स गिनवा रहे हैं और बीजेपी के नंबर्स को डिमीन कर रहे हैं और बीजेपी को कम बता रहे हैं कि बीजेपी हार गई है। इसी का अच्छा सा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बढ़िया सा एक पर्चा खोल दिया और इन सबका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ऑन कर ही दें। तो ज्यादा बात ना करते हो, पहले वीडियो में चलते हैं। कि अभी तक 10 सालों का कामकाज तो ट्रेलर था, ट्रेलर पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, जो 9 तारीख के बाद से शुरू होगी पिक्चर आना। समझ लीजिए भैया, जब आप ट्रेलर में इतना हाय हाय कर रहे थे, बोले हाय राम मार डाला नहीं तो वो तो करे, अभी पिक्चर आनी बाकी है, पिक्चर शुरू करेंगे। मैं एक बात कह दूं भाई जी, उनको देश ने सीरियस नहीं लिया और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अब आप लोग भी सीरियस मत लिया। आज अपने एक मैंने तस्वीर देखी, आज उन्होंने जो हार पहना था वो हार भी नहीं संभल रहा था उनसे। मैंने बहुत पहले भी कई दसों साल से उन्हें हार देखता हुआ देख रहा था पहना हुआ, आज हार पता नहीं किधर को जा रहा था, एक कंधे के नीचे जा रहा था, एक कंधे के गले को छू रहा था। चलो एनी हो, मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। बस इनको क्या लगी, इन्होंने रिक्वेस्ट विक्वेस्ट करके नीतीश जी को मना के कि यार ऐसा कर दो भाई, तीन बार का रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाए। आप इस चुनाव के जनादेश को भाजपा के संदर्भ में कांग्रेस डिमीन क्यों कर रही है, उसका अवमूल्यन क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को ये धैर्य से सुन लीजिए, मैं कोई उल्ल बात तो बोलता नहीं, क्या कांग्रेस को यह स्मरण नहीं है कि 1984 उसकी कट ऑफ डेट है, ईयर 1984 के बाद से 40 साल हो गए इस देश के संसदीय लोकतंत्र में। कांग्रेस ने अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छुआ 40 साल से। और कांग्रेस करी, भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हो गई इसकी। बताइए गजब कर रहा, आपने 40 साल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी ने 40 साल से 272 देखे नहीं, कैसे हाथ से नहीं छुए 272 भगवान का नाम लेके? आखिरी बार दरवाजे पे बंधन बार बंधा था 1984, लेकिन वो किस कारण से बंधा था, संख्या कैसे आई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत से आई थी। मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस के जिस आदमी से पूछो वो कह रहा मोदी हार गए, भाजपा हार गई, सब लोग हार गए, बर्बाद हो गए। आप 200 के अंदर में सरकार बना लिए। और मजे की बात देखिए, कल तक 10 साल जो कांग्रेस ये कहती थी कि भाई मोदी जी किसी की सुनते क्यों नहीं, वो अपनी क्यों चलाते हैं, अब वो कह रहे हम ये देखेंगे कि मोदी किसी की सुन तो नहीं रहे तो हम मान लेंगे कि मोदी जी कुर्सी पर बैठने के लिए समझौता कर लिए, उनको किसी की नहीं सुननी चाहिए। अब ये इस लाइन पकड़ ली क्या, 10 साल ये कहते रहे कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, अशोक जी नहीं आप लोग, और अब कह रहे हो कि वो नीतीश की और चंद्रबाबू की सुनेंगे तो इसका मतलब खेल खत्म, फिर कुछ नहीं। कि दो पार्टियां हैं राष्ट्रीय, भाजपा और कांग्रेस, एक एक गठबंधन का नेतृत्व कर रही, दूसरा दूसरे गठबंधन का जिसमें आप हैं। जिस कांग्रेस ने 40 सालों से 272 के का मैजिकल फिगर देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया, वो कांग्रेस कैसे कह सकती है 240 कम है, 244 कम है, हार गए, बर्बाद हो गए, गंगा में डूब गए, नहीं, या इंडिया गठबंधन कैसे कह सकता है? देखिए, जो जनादेश माननीय मोदी जी को 2014 में मिला था या 2019 में मिला था वो जनादेश मिला, लेकिन जो 2024 में मिला है वो जनादेश नहीं, वो संख्या बल है। और ये संख्या बल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो मोदी जी की जो अपने आप को भगवान का अवतार बताने वाली जो उनकी दमकारी
बातें थी जो संविधान और लोकतंत्र में उचलने वाली उनकी 10 साल में जो क्रियाकलाप थे, जनता को क्रियाकलाप पसंद नहीं आए और जनता ने प्रणब मोदी को औंधे मुंह पटक दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री 10 साल से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, अभी राज भाई ने बताया संख्या कि लगभग 327,000 लोगों ने 5 साल में उनको रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ा तमाचा है पूरे भाजपा के मुंह पर। ये बात मत कहिए कांग्रेस ने इतना संख्या छुआ, इतने नहीं छुआ, ये छुआ। देखिए, इसके अलावा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्वांचल में कहावत है भाई, आप जानते होंगे कि सकलात गैला। तो देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये भली भांति जानते हैं कि हम सटे तो गए, इसीलिए वो जान रहे हैं कि मोदी जी गले तो मिल रहे हैं लेकिन छुरा भी लिए हुए हैं कि कब पीछे से घोप देंगे, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है, जिसको सटाते हैं उसका हाल शिवसेना जैसी कर देते हैं, जिसको सटाते हैं उसका हाल एनसीपी जैसा कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग लोकसभा की स्पीकर का पद मांगने पड़े हुए हैं कि कम से कम हमको एक इम्यूनिटी है, इनके छुरा मारने से एक शील्ड लगाना चाहते हैं कि मोदी जब छुरा भूकेंगे तो शील्ड रहेगी तो उससे हम बच जाएंगे। अशोक बाबू, मुलायम सिंह जी की 3 बार सरकार रही क्या? 203 की तो नहीं सरकार थी उनकी अपनी? कभी नहीं, बहुमत की सरकार तो अखिलेश, जब चीफ मिनिस्टर हुए अखिलेश यादव तब बनी ना, कांशीराम के साथ जो बनी थी सरकार उसमें क्या स्थिति थी हमको नहीं मालूम भाई जी, स्थिति तो नहीं दिख रही। एक कुर्सी उसमें कांशीराम बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े, नहीं था क्या तब? राणा प्रताप कोई बना नहीं? मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, एक ही बार बहुमत आया, 3 बार। मनमोहन सिंह 10 साल 272 में बने थे, 5 साल नरसिंह राव 272 बने थे, वो राणा प्रताप थे। गजब है बात भाई, बोले आप हम सब लोग राणा प्रताप है, बोले ये कुछ नहीं अभी हो गया काम इनका, क्यों बोले अब ये तो। और दूसरी बात, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू का अगर स्पीकर का मसला तो एक ही को ना स्पीकर मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि एक नीतीश को स्पीकर दे दे चंद्र बाबू को दे दे, वो तो फिर स्पीकर वही हो सकता है इसमें बोला जाता है गाना सुनने के लिए, तो ऐसा लोकसभा में तो एक ही स्पीकर होगा नहीं तब। और वैसा भी नहीं है, आप तो जानते हो भाई, अब हम आप लोग ऐसी जगह लाख खड़ा कर देते मुझे फिर उदाहरण याद आ जाता है, और याद आ जाता था फिर मैं बोलता जरूर हूं। बहन जी के साथ जो सा गठबंधन था 19 में, वैसा गठबंधन तो नहीं है क्या? सब लोग मिलने ही नहीं यही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी पटना में नीतीश कुमार के घर की कुंडी खटखटा रहे हो, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन बहन जी के साथ जब गठबंधन था कैसा था अशोक बाबू? ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसे डिमीन मत करिए, जनता का मन है, उसने जो डिसीजन दिया समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।